जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आशीष आई टी आई यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड आशीष। अगर आप ग्राफ मैनेजमेंट के ग्रास या आई टी एस इंट्रेंस एग्जाम और आई टी आई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, जो कि आई टी आई के एग्जाम में और सी टी आई के इंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। इससे पहले जो है कि 4 वीडियो में जो है कि 70 क्वेश्चन को कवर किए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। और हमारे चैनल के माध्यम से इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेंडर, फैशन डिजाइनर, ड्रेस मेकिंग, कोपा, ग्राफ मैनेजमेंट सारे ट्रेडों का जो है तैयारी कराई जा रही है, आई टी आई एग्जाम की और सी टी आई इंट्रेंस एग्जाम की। तो अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और आप सभी लोग को मालूम है कि जो है कि एग्जाम बहुत करीब आ गया है, सी आई टी एस इंट्रेंस एग्जाम, तो इसलिए जो है कि हमारे चैनल के माध्यम से एक दिन में जो है कि 5 वीडियो जो है कि अपलोड किए जा रहे हैं, जो है कि आप बहुत आसानी से जो है उस वीडियो से आप जो है कि तैयारी कर सकते हैं। तो आप जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन को जो है कि पूरा देखिएगा, वीडियो को जो है कि स्किप मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 71, इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखाएं केंद्रक रेखाएं खींचने के लिए प्रयुक्त होती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखाएं केंद्रक रेखाएं खींचने के लिए जो है कि प्रयुक्त होती है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पतला चैन रेखाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, विमांकन रेखा के अंत में स्थित तीर की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होना चाहिए। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 से 3 होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, सीमेंट के घटकों में से मैग्नीशिया MgO की सीमा में उपस्थित होता है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 से 3 जो है उपस्थित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सबसे सामान्य प्रकार की सीमेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सबसे सामान्य प्रकार की सीमेंट है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, OPC जो है कि सबसे जो है कि सामान्य प्रकार की जो है कि सीमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह लाइन जिसमें 30% तक कले होता है वो जो है कि क्या कहलाता है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव चालित लाइन जो है कि वो कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, लकड़ी की मज्जा से होकर छान की ओर जाने वाली तंकु कहलाते हैं। लकड़ी की मज्जा से होकर छान की ओर जाने वाले जो है कि तंकु जो है कि कहलाते हैं। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेड्यूली की गरे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, लकड़ी की परिधि के अनुदिश वायु के कारण होने वाली दरार कहलाती है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायु दरार जो है कि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 78, उचित कीइंग को प्रदान करने हेतु ईट में फ्रांग को रखा जाता है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर की ओर जो है कि फ्रांग को जो है कि रखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गिरी दीवार का केंद्रीय भाग कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजगिरी दीवार का
केंद्रीय भाग कहलाता है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हड किंग, हड किंग जो है कि कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ईंट का कौन कटा हुआ होता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार का ईंट का कौन कटा हुआ होता है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पवरिक कोमोजर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82। भवन के निर्माण के कारण उपमंडा पर सुरक्षित रूप से पारेषित किए जाने वाला दबाव कहलाता है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरक्षित संधारण क्षमता। इसका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नींव की सुरक्षा की माप होती है, एक नींव की जो है कि सुरक्षा की माप क्या होती है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो है कि एक नींव का जो है कि सुरक्षा का माप होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84। सामान्यतः वह मुद्रा जिसका घनत्व तो उच्च होता है सुरक्षित संधारण क्षमता होती है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्चतम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह विधि जिससे मुद्रा का विद्युतीय प्रतिरोध या भूकंपीय अपवर्तन मापा जाता है, स्थिति अन्वेषक की विधि कहलाती है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भू भौतिकी, जो है कि इसका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा भू भौतिकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86। जल के प्रवाह से उत्पन्न भार कहलाता है? जल के प्रवाह से उत्पन्न भार कहलाता है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रव्य चालित भार जो है कि कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87। भवन में जमी हिम की मोटी परत द्वारा उत्पन्न भार कहलाता है? भवन में जमी हिम की मोटी परत द्वारा उत्पन्न भार कहलाता है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिम भार जो है कि कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर कार और हवाई जहाज के लिए उचित पेंट है? निम्नलिखित में से कौन सा मोटर कार और हवाई जहाज के लिए उचित पेंट है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेल्यूलोस पेंट, जो है कि ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर होगा, सेल्यूलोस पेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89। डैप के अधीन नोजल के द्वारा डैप प्रूफिंग हेतु संकीट की परत को सेपरेट करना कहलाता है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुणित, इसका जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक विंडो फ्रेम का अंत मध्य क्षैतिज सदस्य कहलाता है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांसोम जो है कि कहलाता है। आशा करते हैं आपको वीडियो जो है कि बहुत अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो है कि सभी बच्चे इसका जो है लाभ